हेलो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा? तो इसे किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर हलके के गाँव बिस्वानी खेड़ा में हिसार के बाद हरियाणा का दूसरा पशु चिकित्सा एवं कॉलेज खोला जाएगा और यह कॉलेज बिस्वानी खेड़ा गाँव की 11 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जून 2015 में थानेसर हलके में राजकीय पशु चिकित्सा एवं विकास सहयोग कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों यह कॉलेज हिसार के लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के साथ कनेक्ट होगा। और बात करें इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और ये हिसार जिले में स्थापित है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। अब दोस्तों जिक्र कुरुक्षेत्र का हुआ है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले को 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग करके बनाया गया था और कुरुक्षेत्र जिले में एक नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और वामन पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र को पांडव वन, सूर्य वन, आदित्य वन, शांति वन के नाम से भी जाना जाता था। और अल बरूनी द्वारा लिखी गई किताब अल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। और कुरुक्षेत्र में सन 1989 में प्रथम बार गीता जयंती उत्सव मनाया गया था। और पढ़ लेते हैं, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र यानी कि मेडिटेशन योग सेंटर स्थापित किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन शुरू किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी व एशिया की दूसरे सबसे बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के लाडवा में है और ये क्वेश्चन आ चुका है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसदान कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? दोस्तों इसका नाम होगा ऑप्शन है तो अंशु मलिक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह है अंशु मलिक। पढ़ लेते हैं। अब नॉर्वे के ओस्लो में खेली जा रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की खिलाड़ी अंशु मलिक 57 किलोग्राम बार वर्ग में फाइनल में पहुंच गई है और अंशु मलिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दोस्तों यहाँ पर महिला खिलाड़ी पहली बनी है। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवान विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी है लेकिन सभी ने कैंस्य पदक जीता था। गीता फोगाट ने 2012 में, बबीता फोगाट ने 2012 में, पूजा डांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने 2019 में कैंस्य पदक जीता था। और अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय लेकिन पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और इससे पहले सुनील कुमार 2010 और बजरंग पुनिया 2018 में भी इस फाइनल में पहुंच चुके हैं लेकिन महिला खिलाड़ी पहली बनी है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अंशु मलिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अंशु मलिक बिलोंग करती है जींद के निडानी गाँव से। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 2019 में थाईलैंड में हुई जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और जनवरी 2020 में हुई वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल जीता था। और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। और दिसंबर 2020 में कुश्ती विश्व कप बेलग्रेड में हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और अप्रैल 2021 में कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही एशियाई कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में डेनमार्क देश की तर्ज पर पराली से बिजली बनाने वाला प्लांट स्थापित किया गया है? तो प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कैथल जिले में। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। कैथल जिले के गांव कांगथली में डेनमार्क देश की तर्ज पर पराली से बिजली बनाने वाला प्लांट स्थापित किया है और इस प्लांट से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा पराली की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 4 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है? तो किस खिलाड़ी को मिला है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो शर्मिला देवी को। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। दोस्तों हर पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में अपना दबदबा बनाया है और ये सभी पुरस्कार मतदान प्रणाली आधारित दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है, जबकि शर्मिला देवी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार या फिर सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला। दोस्तों ये आपको रट लेना है, सविता पुनिया को गोलकीपर का, जबकि शर्मिला देवी को राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। गुरजीत कौर महिला वर्ग में, हरमनप्रीत कौर पुरुष वर्ग में है, इन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, इनकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, जबकि पी.आर. श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष वर्ग में और विवेक प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार इनकी सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है पुरुष वर्ग में। अब दोस्तों सविता पुनिया के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 को सिरसा के जोधका में और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और भारतीय हॉकी टीम की उपकप्तान रह चुकी है टोक्यो ओलंपिक में और अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। साल 2017 में एशिया कप में बेस्ट गोलकीपर रही थी और साल 2018 एशियन कप में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। और अब बात करें दोस्तों शर्मिला की, तो हिसार के कैमरी गांव से बिलोंग करती हैं और शर्मिला साल 2018 में पहले भारतीय जूनियर टीम में भी खेल चुकी है हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य समेत देश के कितने राज्यों में भूजल स्तर को सुधारने के लिए हेलीकॉप्टर सर्वे किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा समेत 4 राज्यों में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैले शुष्क क्षेत्र में भूजल का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाएगा। इनमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार भूमि के जल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। भूभौतिक सर्वेक्षण किए जाने के कार्यक्रम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चोखा में स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के ग्राउंड से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर ये काम शुरू कर दिया है। अब दोस्तों जिक्र जल से संबंधित हुआ है तो इससे संबंधित कुछ हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पंचकुला जिला 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला हरियाणा का पहला राज्य बना था और हरियाणा ने हर घर नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा था और हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है और इस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है किशनी आनंद अरोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा और यहां पर मलेरिया बोन भी बनाया जाएगा इसी अस्पताल के साथ, ताकि पंचकुला के साथ साथ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोग भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सके। और दोस्तों बात करें अगर ज्ञान चंद गुप्ता की, थे पंचकुला से विधायक भी है। आप दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में जैसे सीईटी, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव या पीजीटी या फिर दुर्गा शक्ति में सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर पढ़कर जानी होगी, क्योंकि अब हरियाणा जीके से ज़्यादा हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है। आपने हरियाणा महिला पुलिस पेपर, एसआई का पेपर देखा होगा, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा करंट अफेयर के और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में भी जरूर आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आती है हमारे करंट अफेयर से आए हुए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा राजकीय पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर हलके के बिस्वानी खेड़ा गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। दोस्तों अंशु मलिक है, ये जिंद के निडानी गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में डेनमार्क देश की तर्ज पर पराली से बिजली बनाने वाला प्लांट स्थापित किया गया है? तो कैथल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है? तो शर्मिला देवी को मिला। दोस्तों हिसार से बिलोंग करती है, जबकि सविता पुनिया को मिला है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा समेत देश के कितने राज्यों में भूजल स्तर को सुधारने के लिए हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जा रहा है? तो हरियाणा समेत 4 राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा? तो पंचकूला में। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया था? तो हिसार से गिरफ्तार किया था 30 जुलाई 1919 को, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को पलवल से किया था। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मानेसर, गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1969 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो R.S. ब्रिसन ने की 1973-74 में, और ये फतेहाबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में की थी, लेकिन 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन थे? तो नवाब फिदाई खां थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2012 लंदन ओलंपिक में सानिया नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था, और हिसार से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1947 विभाजन के बाद पंजाब न्यायालय इनकी ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो विभाजन के बाद ये शिमला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन नहर कौन सी है? तो पश्चिम यमुना नहर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहिबी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दोहन हो गई, सोता हो गई, और कृष्णावती नदी। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन चाहिए तो आपको जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक की करंट अफेयर पढ़नी होगी हरियाणा पुलिस के लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक नीचे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और हमारी करंट अफेयर से बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के लिए किस योजना को लागू किया था? तो वन मित्र योजना को भी लागू किया था हरियाणा सरकार ने। और दोस्तों ये फरवरी 2021 की करंट अफेयर, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा जेल रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था? तो तीसरा शुरू किया था दोस्तों अम्बाला जेल में, और गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने अम्बाला केंद्रीय जेल में इसका उद्घाटन किया था। पहला पानीपत में स्थापित किया था 16 जनवरी 2021 को। जेल मंत्री रंजीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी दीपक बोरिया ने बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाज टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने इसमें रजत पदक जीता था, और दीपक बोरिया हिसार जिले से बिलोंग करते हैं, और 52 किलोग्राम भार में जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 80,000 रुपये कर दिया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा प्रदेश में महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2021 से योजना शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा देश में स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन लोकल बॉडीज फीडबैक में कौन से नंबर पर रहा था? तो पहले नंबर पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने सामाजिक उत्पीड़न के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि को 11,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 21,000 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के अश्वनी सांडिल्या द्वारा लिखित दब्बे बाँव कविता पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन किया था रतनलाल कटारिया ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को कब से लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये 1 अप्रैल 2021 से भी लागू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को वैध रत्न नेशनल अवार्ड मिला था? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र को। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड या फिर दर्शिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया ऑप्शन है मनोहर लाल को, और इसका मुख्यालय बनाया गया दोस्तों करनाल जिले में, और इसका वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया है तो हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में स्थित गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन ने थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे के साथ समझौता किया है? तो गोल्डन एरो किस जिले में स्थित है आपको बताना है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े क्योंकि वहाँ पर नई नई जानकारी और PDF में शेयर करता रहता हूँ, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।